हाय फ्रेंड्स, मेरे साथ है नरेंद्र जी। दोस्तों, इनके ईयर में प्रॉब्लम थी एंड समहाउ इनका कोई मेडिकल में इनको डिस्क्वालीफाई करके रेफ़र भी किया था। ईयर के ड्रम में होल था, तो सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और अभी आप सर्जरी के बाद कैसा फील कर रहे हैं। नरेंद्र जी, आप बताओगे अपनी प्रॉब्लम? सर, मेरे को 2 साल पहले मतलब कान में रस्सी आती थी, ठीक है। उसके बाद मतलब निकालने से मैंने मेडिसिन लिया तो वो बंद हो गई। बाद में आर्मी में जब मेरा मेडिकल हो रहा था उस टाइम मेरे को कान का पॉइंट दे दिया गया, पर्दे में छेद बताया। फिर मैं बाहर हो गया मेडिकल कान, तो सरदार शहर वहाँ पे कोचिंग लगती है, वहाँ पे मैं तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जयपुर में दूरबीन हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑपरेशन करवा लो। उसमें मतलब मिलिट्री के मेडिकल में कोई पॉइंट वापस नहीं मिलेगा तुम्हें, दोबारा पटाखे वगैरह कुछ नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पर फिर ऑपरेशन करवाया, एकदम बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं? एकदम बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। सुनाई भी आपकी ठीक है? एकदम बढ़िया सुनाई, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है जो नरेंद्र जी ने बताई। आपको अगर आर्मी का इश्यू है, आर्मी में जाना है, तो डेफिनेटली अपने सर्जन से बात करके एंडोस्कोपिक दूरबीन से सर्जरी करानी चाहिए। कान के पीछे अगर चीरा लग गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे नरेंद्र जी का अभी अगर कहाँ पे भी कोई डिफेंस में मेडिकल है, तो कान के कारण इनको कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज ईयर में पीछे इनके क्या है कि जो है वो इंसिजन नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे इनका ईयर अगर आप देखोगे तो कान के पीछे इनके कोई इंसिजन नहीं है, क्योंकि यूजुअली अगर यहाँ इंसिजन होता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इनकी हियरिंग भी बढ़िया है एंड आई विश कि हमारा जो है आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा आप हमारे से मिलने आओगे। जरूर आएंगे सर, जरूर। ओके, थैंक यू।